नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। ऐसा क्यों होता है कि हम जो जीवन की रेस है या जो जीवन की भाग दौड़ है उसमें हम पिछड़ते जा रहे हैं? ऐसे बहुत लोग को लगता होगा कि ऐसी कौन सी वजह, मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, मैं बहुत एफर्ट भी लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं लोगों से पिछड़ क्यों रहा हूं? लोग तरक्की करते जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी क्या बात है, मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसके कारण मैं तरक्की नहीं कर पा रहा हूं और सामने वाला कर पा रहा है, जो मेरे ही जैसा है, मेरे ही इतनी मेहनत करता है, इसके बाद भी वो तरक्की कर रहा है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं, ऐसे मेरे में क्या कमी है? ऐसे बहुत लोग सोचते हैं और कई बार इस सोच के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों को घेर लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं उसी चीज़ की कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिसके कारण हम मेहनत करने के बाद भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मुकाम तक और लोग पहुंच गए हैं, या वो कम मेहनत करके भी पहुंच गए और हम ज़्यादा मेहनत करके भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उस स्टोरी से आपको पता चलेगा कि आपकी क्या गलती है जिसके कारण आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तो देखिए, क्या एक लकड़हारा था, एक वुड कटर था, लकड़हारा को जानते हैं, वुड कटर बोलते हैं उसको। तो उसका काम था लकड़ियाँ काटना। तो उसने सोचा, यार कि मैं बहुत दिन से ये काम कर रहा हूँ तो चलो कुछ बड़े स्तर पे काम करते हैं। तो वो राजा साहब के महल में गया, यानी राजा साहब के दरबार में गया। उसने वहाँ बोला राजा साहब से कि देखिए मुझे नौकरी पे रख लीजिए, मैं बहुत अच्छा वुड कटर हूँ, मैं एक दिन में 20 पेड़ काट सकता हूँ, 20 पेड़ काटना मेरे लिए बहुत आसान है, तो आप मुझे अगर नौकरी पर रखते हो तो मैं हर दिन आपके लिए 20 पेड़ काट के ला सकता हूँ, यानी आपका जो भी काम है उसमें 20 पेड़ मैं काट के ला सकता हूँ। तो राजा ने सोचा, यार अच्छी बात है, चलो इसको रख लेते अपन काम पे। राजा साहब ने उसको काम पे रख दिया, एक सैलरी डिसाइड की कर दी कि अगर आप डेली 20 पेड़ काट के लाए तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे। ये डिसाइड हो गया और दूसरे दिन से वो काम पे चला गया। पहले दिन गया, उसने बाकायदा 20 पेड़ काट के लाए और जो जिसको भी गिनवाना था उसको गिनवा दिया। सेकंड डे आया, सेकंड डे फिर गया तो उसने क्या करा, 18 पेड़ काट के लाया। बात कितने की हुई थी, 20 की, लेकिन उसने कितने पेड़ काट के लाए, 18। तो जो वहाँ का मंत्री था उनने कहा, भैया 20 पेड़ की बात हुई थी यार, तुमने तो 18 पेड़ ही काट के लाए, दो पेड़ तो आपके कम हो गए। उसके नहीं, ठीक है, मैं ये शायद मैंने गलती कर दी, मैं अगले दिन, मतलब नेक्स्ट डे, मैं ये दो पेड़ एक्स्ट्रा जो मैंने नहीं काट के लाए वो भी काट लाऊँगा और 20 पेड़ जो उस दिन के थे वो भी काट लाऊँगा। ठीक है भाई, उसने कह दिया, ठीक है कल ध्यान रखना, कल आपको 22 पेड़ काट के लाना है। ओके, तीसरे दिन गया तो तीसरे 16 ही पेड़ काट के लाया वो, यानी उसको लाना था 22 लेकिन ला कितना रहा, 16। फिर जब वो मंत्री ने बोला कि यार तो आज तो और कम करके ले आया, ऐसा क्यों? तो कहने लगा, मैं तो बहुत मेहनत करी, मैंने तो और बल्कि ज़्यादा टाइम काम करा, रोज़ जितना टाइम काम करता हूँ उससे ज़्यादा टाइम काम करा, इसके बाद भी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, मैं दिन भर काटी रख ली इसके बाद भी नहीं काट गया। लेकिन हाँ, मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ कि अगले दिन मैं आपको ये जो दो दिन का कमी रह गई वो भी पूरा करके लाऊँगा और उस दिन का काम भी करके लाऊँगा। यानी कि 6 पेड़ एक्स्ट्रा काट के लाएगा, 20 तो लाएगा, यानी 26 पेड़ काट के उसको लाना है अगले दिन। अगले दिन गया, उसने सोचा, यार मैंने बहुत, मेरा काम कम हो गया तो मैं जल्दी जाता हूँ। तो जहाँ वो 5-6 बजे जाना था सुबह, वो सुबह 4 बजे निकल गया जंगल और अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको लेके चला गया और शुरू हो गया काटना, और रात को 8 बजे तक काटता है। और जब घर लाया तो पता लगा 10 पेड़ काट के लाया, लाना था उसको 26, वो लाया कितना उसने, 10 पेड़ काट के लाया, यानी कि ओनली 10 पेड़ ही काट पाया वो। चौथे दिन, पांचवें दिन जब गया तो ओनली कितने पेड़ काट के लाए, 10 पेड़, लाना था उसको 26, लाया कितना ओनली 10। अब सब सोच रहे कि यार, वो खुद भी सोच रहा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे पहले गया था, 3 घंटे बाद तक मैंने काम किया, इसके बाद भी मेरे जो 26 पेड़ काटने की बजाय मैं ओनली 10 पेड़ कैसे काट के लाया, क्या ऐसी वजह थी जिसके कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके कारण वो लाना था उसको 26 पेड़ काट के और लाया ओनली 10, जबकि उसने और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा काम करा। वो हर दिन क्या कर रहा है, वो जो पहले दिन काम कर रहा था उससे ज़्यादा घंटे काम कर रहा है, लगातार हर दिन वो अपने घंटे बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसका जो काम है वो लगातार कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों, जबकि अगर उसने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाए हैं तो जो प्रोडक्ट है ये वो भी तो बढ़ना चाहिए ना, इसके जो काम करने का जो काम है वो भी तो बढ़ना चाहिए। जब उसने घंटे बढ़ाए तो काम भी बढ़ना चाहिए, लेकिन घंटे तो बढ़ा रहा है लेकिन काम कम होता जा रहा है, ऐसा क्यों? जब बहुत सोचा तो उसको पता चला, जब एक समझदार इंसान से उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, एक उनसे पूछा किसी से उसने कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन जो समझदार इंसान थे उन्होंने बताया कि देखो तुम काम तो बहुत कर रहे हो लेकिन जिस औजार का आप यूज़ कर रहे हो उस औजार को आपने धार नहीं किए, उसको आपने शार्प नहीं किया है। पहले दिन आपका जो औजार था
जब आप लकड़ी काटने गए थे उस समय आपका औजार शार्प था, तो आपने वो काम इजीली कर लिया। सेकंड डे उसका जो शार्पनेस है थोड़ी कम हुई, तो आपका काम कम हुआ। नेक्स्ट डे फिर शार्पनेस कम हुई तो और कम हो गया। आप काम तो ज़्यादा कर रहे हो, आप घंटे तो ज़्यादा बढ़ा रहे हो, लेकिन जिस औजार का आपने यूज़ किया है उसकी शार्पनेस का आपको ध्यान ही नहीं है कि वो लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट है, इसीलिए आपका जो काम है वो लगातार कम होता जा रहा है और आपकी मेहनत बढ़ती जा रही है। उसी तरह से हम लोग को भी, हम क्या सोचते हैं, जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, मैं पिछले 15-20 साल से पढ़ा रहा, तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे भी या कोई भी हो उसको हर दिन एक नया दिन समझ के उसी तरह से मेहनत करनी है जिस तरह की वो पहले से मेहनत करता है। पहले दिन जिस तरह से मेहनत करी थी उसी दिन उसी तरह से उसको मेहनत करनी है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो एक दिन क्या होगा कि धीरे 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 उसका जो ज्ञान है, उसका जो जो माइंड है, वो धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि उसने क्या करा, वो सोच रहा है कि जितना मेरे को आता है वही सब कुछ है, उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है। हर दिन चीज़ें चेंज होती है, नए नए तरीके आते हैं, नए नए ऑब्स्टिकल आते हैं जिसको आपको फेस करना है। क्योंकि जो ऑब्स्टिकल आज से 10 ईयर पहले आया था वो ऑब्स्टिकल आज नहीं आ रहा है, आज दूसरी तरह के ऑब्स्टिकल आपके पास आ रहे हैं। तो उस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। जिस तरह से उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी को अपडेट नहीं किया, शार्प नहीं किया, इसलिए उसका काम कम होता गया, इसी तरह से अगर आप भी अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप दुनिया की रेस में पिछड़ जाओगे। इसलिए अगर आपको पिछड़ना नहीं है तो अपने आप को अपडेट करते रहना है हर तरीके से, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या किसी भी मामले में हो। आपको जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे आप दुनिया से पिछड़ते जाओगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप ही खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।